हेलो चार्टर्ड, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप टू अकाउंट का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अमालगम। बहुत बड़ा है, इसकी सारी ट्रिक्स और सारे प्रोसेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सारी ट्रिक्स और प्रोसेस के बाद अगर आप लोग सम रिवाइज करेंगे एक के बाद एक, तो सब कुछ हो जाएगा एकदम शांति से। पूरा के पूरे रिविजन टेक्निक्स हमारी तो एकदम गौर से दिखेगा। चैप्टर में कुछ नहीं है, डेफिनेटली लेंदी है, छोटी छोटी बहुत सारी बातें जो याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अमल गणेश, सुनाओ। कम एस 40। नाउ चार्टर्ड पहली बात, ये तीन चीजें होती है अमालगमेशन में। एक दो और तीन। पहली चीज क्या होती है? ए टेक ओवर लिमिटेड, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया है, ठीक है। दूसरा ए प्लस बी मिलके बन गए ए बी, ये हो गया अमालगम। और तीसरा होगा न्यू ए टेक्स ओवर ओल्ड ए, इसको बोलते थे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो चार्टर्ड पहले इसको बोलते थे अब्जॉर्प्शन, इसको बोलते थे अमालगम। और इसको बोलते थे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट केस और थर्ड केस, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुरानी कंपनी एक क्लोज हो रही है, वही मैनेजमेंट एक नई कंपनी स्टार्ट करती है, फिर वो पुरानी कंपनी को खरीद लेती है क्योंकि पुरानी कंपनी अच्छा नहीं कर रही, तो नई मार्केट में वो लोग नए ब्रांड के साथ नए प्रोडक्ट के साथ वापस आते हैं। बस इतनी बात याद रखते हैं। तो अब्जॉर्प्शन और लॉजिकली अब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग वाइज देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्रिटिकली डिफरेंस है। इसमें एक नई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, यहां पर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में वही कंपनी का मैनेजमेंट एक नई कंपनी क्रिएट करता है और पुरानी कंपनी को खरीद लेता है, मतलब पुरानी कंपनी लॉस मेकिंग लिक्विडेट होने वाली थी उसी को खरीद लिया। करेक्ट। अब देखते हैं अमालगमेशन, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट और थर्ड अकाउंटिंग वाइज एक ही है भाई, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, नई हो पुरानी हो कुछ भी, अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है सर। अब आ जाते हैं अमालगमेशन में। अमालगमेशन हमने क्या सीखा, एक कंपनी और दूसरी कंपनी जुड़कर एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम है एबी लिमिटेड। अब ये देखने का नजरिया थोड़ा चेंज कर, क्या मैं ये कह सकता हूं एबी कंपनी एक नई कंपनी बनी जो ए कंपनी और बी कंपनी दोनों को टेक ओवर कर रही है? अरे हाँ ना यार, एक तरीका देखने का, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों जुड़ी और एक नई कंपनी बनी एबी। दूसरा तरीका देखने का, एबी लिमिटेड एक नई कंपनी फॉर्म होगी जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों को टेक ओवर कर रही है। हाँ, मैं क्या तीनों को कह सकता हूँ अब्जॉर्प्शन है? हाँ। ये सब परेशानी से दूर होने के लिए AS-14 चार्टर्ड लेके आया कि ये सब जमेले हटाओ। अब दो टाइप के अमालगमेशन रहे, एक अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, दूसरा अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर।
जैसे ही आया ना, तो भी मतलब बच्चे ये समझने लगे कि परचेज मतलब ए टेक्स ओवर बी और मर्जर का मतलब ए एंड बी जुड़ गया, उस सोच से बाहर आ गए। मैंने कहा ना दूसरे वाला केस भी तो अब्जॉर्प्शन हो सकता है, ए बी कंपनी एक नई कंपनी है जिसने ए कंपनी और बी कंपनी को टेक ओवर किया, तो वो भी तो मैं परचेज में डाल सकता। तो AS-14 ने बताया कि ये तीनों में से कुछ भी मर्जर हो सकता है, कुछ भी परचेज हो सकता है। इसलिए चैप्टर का नाम मैंने अमालगमेशन ऑफ ऑब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, मैंने लिखा है मर्जर और परचेज, क्योंकि AS-14 ये दो डिविजन। AS-14 ने यहां पर पांच कंडीशन डाली, और कहा कि अगर पांचों कंडीशन फुलफिल हो गई तो मर्जर, पांचों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो परचेज। बात समझ में आई? अब वो ए टेक ओवर बी हो सकता है, ए और बी जुड़कर ए बी बन रहा है, ये भी हो सकता है नई कंपनी पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर रही है। अगर इस तीनों सिचुएशन में अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो गई तो तीनों के तीनों मर्जर माने जाएंगे। अगर ये तीनों सिचुएशन में पांच में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या माना जाएगा? परचेज। पांच कंडीशन क्या थी? बुक में लिखिए, आप लोग देख लीजिएगा। पांच कंडीशन फटाफट याद कर रहे हैं। परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू करेगी, परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के सारे एसेट्स पर लायबिलिटीज ले जाएगी, परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के सारे एसेट्स लायबिलिटी और रिजर्व बुक वैल्यू पर ही ले जाएगी, मतलब एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट वैल्यू पर। 90% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी शुड बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, और जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो इक्विटी शेयर में होगा, अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर हुए तो उसको कैश में दिया जाएगा। पांच कंडीशन रिपीट कर देता हूं। परचेजिंग कंपनी बिजनेस कंटिन्यू करेगी, हाँ। परचेजिंग कंपनी सारी एसेट पर लायबिलिटीज ले जाएगी, हाँ। परचेजिंग कंपनी सारी एसेट पर लायबिलिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व्स ले जाएगी, वो भी बुक वैल्यू पर, हाँ। तीसरी बात, परचेजिंग कंपनी 90% द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी शुड अग्री टू बी द शेयर होल्डर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी जो परचेज कंसिडरेशन देगी वो परचेज कंसिडरेशन केवल और केवल इक्विटी शेयर्स में होगा, अगर इक्विटी शेयर्स में नहीं हुआ कैश तभी दे सकते अगर फ्रैक्शनल शेयर आ रहा है, पूरा का पूरा पीसी इक्विटी शेयर्स में देना होगा, करेक्ट। तो पांच कंडीशन, अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो गई तो क्या होगा? मर्जर, नहीं हुई तो परचेज। अमालगमेशन ऑब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते कुछ नहीं है। दूसरा, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि यहां पर नेट एसेट जो हम लोग ले रहे हैं, नेटो नेट एसेट्स टेकन ओवर और परचेज कंसिडरेशन का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। यहां पर जो नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस होगा उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, करेक्ट। डिफरेंस बिटवीन नेटो एंड पीसी, एक में गुडविल कैपिटल रिजर्व में जाएगा, दूसरे में जनरल रिजर्व में जाएगा। अब और एक खास बात, नेटो का फुल फॉर्म नेट एसेट्स टेकन ओवर, तो यहां पे गौर से देखेंगे ना तो नेटो का मतलब चार्टर्ड आएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऑल एसेट्स आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, हाँ। ऑल लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, हाँ। ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, हाँ। तो बचा क्या? शेयर कैपिटल। इसलिए स्टैंडर्ड ने नेटो की जगह कहा है शेयर कैपिटल और पीसी का जो डिफरेंस होगा परचेज कंसिडरेशन का उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो दो बातें, अमालगमेशन, पहली बात अमालगमेशन ऑब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते कुछ नहीं। कोई भी बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर पांचों कंडीशन फुलफिल हो गई तो मर्जर, नहीं फुलफिल हुई तो परचेज, करेक्ट।
जब हम लोग सम्स की बात करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन फोर्थ फेस में सॉल्व कर, अगर सम में बोला होगा मर्जर है तभी मर्जर होगा, करेक्ट। दैट मीन्स ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ परचेज मेथड अनलेस क्वेश्चन स्टेट्स इट्स अ मर्जर, करेक्ट है। सारे के सारे क्वेश्चन परचेज मेथड के लिए लेंगे अगर जब तक क्वेश्चन ने नहीं कहा मर्जर है। बात समझ में आ गई? हाँ, बस इतनी बात याद रखनी है। यहां पर परचेज में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक सेलिंग कंपनी एक बाइंग कंपनी, या फिर दो सेलिंग कंपनी एक परचेजिंग कंपनी, मर्जर में भी हो सकता है। तो दो वैरायटी के सम्स हो जाते हैं, एक सेलिंग कंपनी एक बाइंग कंपनी या दो सेलिंग कंपनी एक बाइंग कंपनी, दोनों के साथ चाहे वो मर्जर हो या परचेस, करेक्ट। अब चार्टर्ड आ जाते हम लोग परचेस। परचेज मेथड में हमें सीखना क्या क्या है? एक, दो, तीन, चार। पहली बात, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। दूसरी बात, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी और एडजस्ट। बस एक एक करके चारों चीज सीख लेंगे, अमालगमेशन करते सारे सम, ये चारों एडजस्टमेंट डिस्कस करके तो सारे सम की सारी वैरायटी खत्म हो जाएगी। तो पहले हम लोग क्या उठाएंगे, परचेस कंसिडरेशन। चार्टर्ड परचेस कंसिडरेशन होता क्या है? अमाउंट पेबल बाय परचेजिंग कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। अमाउंट पेबल बाय परचेजिंग कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ याद रखिएगा खाली शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं, अगर आज मैं कहूं कि एक कैलकुलेटर मैंने खरीदा, तो पैसे कैलकुलेटर के दूंगा कि कैलकुलेटर के ओनर को दूंगा? तो जनरली पब्लिक ये समझती है अमाउंट पेबल बाय परचेजिंग कंपनी टू सेलिंग कंपनी,
अमाउंट पेबल बाय परचेजिंग कंपनी टू द ओनर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। ओनर्स ऑफ सेलिंग कंपनी कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस। मैं कैलकुलेटर खरीदता हूं तो कैलकुलेटर को पैसे नहीं देता, कैलकुलेटर के ओनर को देता हूं। तो मैं कंपनी खरीदता हूं तो कंपनी को पैसे नहीं देता, कंपनी के ओनर को देता, ओनर का इक्विटी और प्रेफरेंस। करेक्ट। नाउ चलते हैं पीसी कैसे कैलकुलेट होगी। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग पीसी, पहले पेएबल टू किसको किसको, इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग और अमाउंट। करेक्ट। ठीक है सर। अमाउंट पेएबल टू अमाउंट पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे सकते हैं? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंसेस और डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी। अब ये ध्यान से देखते हैं, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदने के लिए जितने भी शेयर्स दे रही है उसको पीसी बोलते हैं। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को खरीदने के लिए जितने भी शेयर्स दे रही है वो पीसी। अब दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय परचेजिंग कंपनी। वो इक्विटी शेयर्स इश्यूड हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू हो सकते हैं, डिबेंचर्स इश्यू हो सकते हैं, इनटू इश्यू प्राइस। करेक्ट। दूसरा कैश फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स, दैट इज फ्रैक्शनल शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। तीसरा हो सकता है कैश टू ऑल, दैट मींस ऑल शेयर ऑफ स्मॉल कंपनी इनटू कैश पर शेयर। करेक्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेम तरह से प्रेफरेंस शेयर भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो टोटल आएगा चार्टर्ड ये टोटल हो जाएगा बात आ गई समझ चार्टर्ड ये जो टोटल आएगा ये टोटल हो जाएगा पीसी ना। करेक्ट। अब पहले समझते हैं इश्यू प्राइस को। आपका पहला पेज है, देखिए पहले पकड़ते हैं इश्यू प्राइस।
इश्यू प्राइस ए, इट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन टू इफ इश्यू प्राइस इज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे? देन कंसिडर मार्केट प्राइस of the share as issue price. समय जो market price दिया होगा उसी को issue price मान लेंगे. तीसरा, if market price is not given, then face value, तो जिसको हम लोग nominal value भी बोलते हैं, nominal value of equity share of purchasing company is equal to issue price. इश्यू प्राइस देना होगा, अगर नहीं दिया है तो मार्केट प्राइस इश्यू प्राइस होगा, अगर मार्केट प्राइस भी नहीं दिया है तो फेस वाली को इश्यू प्राइस ले लेंगे. सर फेस वाली भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता है बालक, फेस वाली को देना ही होगा अदरवाइज कैसे चलेगा. अब दूसरा आ जाता है नंबर ऑफ शेयर issued by purchasing company. Number of shares issued by purchasing company. Number one, it should be given should be given in the question कि भाई बड़ी कंपनी ने purchasing कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीदने के लिए 50,000 शेयर दिए, 60,000 शेयर दिए, 100 शेयर दिए, कुछ तो दिए देना चाहिए. सर नहीं दिया. नंबर टू, इफ शेयर्स इश्यूड बाय purchasing company is not given. If shares issued by purchasing company is not given, then तो क्या करेंगे? तो चार्टर्ड हमारे पास ऑप्शन वन, स्वैप रेशियो शुड बी गिवन. स्वैप रेशियो शुड बी गिवन, फट दिमाग में आएगा सर स्वैप रेशियो क्या? तुम्हारे चार शेयर के बदले में मैं अपने पांच शेयर दूंगा, तुम्हारे तीन शेयर के बदले में मैं अपने चार शेयर दूंगा, तुम्हारे दो शेयर के बदले में मैं अपने एक शेयर दूंगा, उसको स्वैप रेशियो बोलते हैं.
तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, स्वैप रेशियो शुड बी गिवन। करेक्ट। अगर स्वैप रेशियो दिया है चार्टर्ड, देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू स्वैप रेशियो इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। स्वैप रेशियो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी 4 शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी। फॉर एवरी 3 शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी 4 शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो इसको दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक सेलिंग कंपनी परचेजिंग, सेलिंग कंपनी के 3 शेयर के बदले में परचेजिंग कंपनी के कितने शेयर देंगे? 4। सेलिंग कंपनी के एक्स शेयर है तो परचेजिंग कंपनी के कितने शेयर मिलेंगे? 4 इंटू एक्स बाई 3। ये जो 4/3 है ना, इसी को स्वैप रेशियो बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं स्वैप रेशियो इज इक्वल टू 4/3। नंबर ऑफ शेयर्स जो बड़ी कंपनी देगी, तो न्यूमरेटर में हम उसको अपने जितने शेयर्स देंगे, तो दिस इज परचेजिंग कंपनी के शेयर्स, दिस इज सेलिंग कंपनी के शेयर्स। ना नोट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी माइनस डिसेंटिंग शेयर होल्डर। कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो, ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर होते हैं जो बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर बनना नहीं चाहते, परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनना नहीं चाहते। तो उसको हटा दिए, फिर उसका क्या होगा? उसको कैश में पेमेंट कर दिया। अच्छा सर, उसको जो कैश में पेमेंट किया जाएगा क्या वो पीसी में आएगा? नहीं, बात खत्म। अच्छा, तो ये बात एकदम भूलिएगा नहीं। तो जब हम लोग ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालते हैं चार्टर्ड, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिसेंटिंग शेयर। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय परचेजिंग का। अगर वो नहीं दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्वैप रेशियो दे दिए। अब ये लोग का नाटक खत्म नहीं होता। ऑप्शन टू, स्वैप रेशियो इज ऑल्सो नॉट गिवन, तो क्या करेंगे? देन चार्टर्ड देन स्वैप रेशियो इज इक्वल टू शेयर वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी बाय शेयर वैल्यू ऑफ परचेजिंग। सिंपल जाएगा, एकदम सिंपल, शेयर वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी बाय शेयर वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल,
चार्टर्ड सेलिंग कंपनी का शेयर वैल्यू है 6 रुपए, परचेजिंग कंपनी का शेयर वैल्यू है मार्केट प्राइस है 18। सेलिंग कंपनी का स्टॉक मार्केट में एक शेयर का प्राइस है 6 रुपया, परचेजिंग कंपनी का स्टॉक मार्केट में प्राइस है 18 रुपया। जिस दिन डील हो रही है उस समय का प्राइस लिया जाएगा, एवरेज प्राइस। जो प्राइस तो हर वक्त हर मोमेंट चेंज होता रहता है, तो एवरेज प्राइस डिसाइड कर लिया मार्केट प्राइस देखता है, ठीक है ना। वैल्यूएशन हमारे सिलेबस में नहीं है, फाइनल में पढ़ेंगे कि 6 रुपया 18 रुपीज आता कैसे। बट अभी ये मान लेते हैं कि जब डील हो रही थी तब मार्केट प्राइस 6 रुपया और 18 रुपीज था, तो आप क्या कहोगे? छोटी कंपनी के 3 शेयर के बदले में बड़ी कंपनी के 1 शेयर मिलना चाहिए, छोटी कंपनी के 3 शेयर 3 शेयर के बदले में बड़ी कंपनी का 1 शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनी के 1 शेयर के वैल्यू अगर 6 रुपए है तो 3 शेयर की वैल्यू 18 हो जाएगी। हाँ, तो मतलब स्वैप रेशियो ना चाहिए 1:3, फॉर एवरी 3 शेयर आई वॉन्ट 1 शेयर, तो बड़ी कंपनी का 1 शेयर, छोटी कंपनी का 3। तो स्वैप रेशियो ऐसे निकल जाएगा, हाँ, फॉर एवरी 3 शेयर मुझे 1 शेयर देना। हाँ, तो आपने स्वैप रेशियो क्या निकाला? फॉर एवरी 3 शेयर आई वॉन्ट 1 शेयर, फॉर एक्स शेयर आई वॉन्ट 1/3 शेयर। छोटी कंपनी के अगर एक्स शेयर है तो मुझे 1/3 शेयर चाहिए इनटू एक्स। 1/3 कैसा है? 6/18, 6 इज व्हाट? स्वैप रेशियो, शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी, 18 इज व्हाट? शेयर वैल्यू बिग कंपनी। अच्छा, तो शेयर वैल्यू देना होगी, और इस केस में एंड इशू प्राइस इज इक्वल टू शेयर वैल्यू ऑफ परचेजिंग, एफसी का मतलब शेयर वैल्यू, करेक्ट। अब चार्टर्ड मतलब वापस बता रहा हूं, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स देने होंगे, नहीं दूंगा। स्वैप रेशियो दे दे, नहीं दूंगा, ठीक है। शेयर वैल्यू दे दे, स्वैप रेशियो निकाल दूंगा। अब वो बोल रहा है स्वैप रेशियो भी नहीं दूंगा, शेयर वैल्यू इज ऑल्सो नॉट गिवन, शेयर वैल्यू इज ऑल्सो नॉट गिवन। तो मैं शेयर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं, कोई आपत्ति की बात नहीं, बट इंटर लेवल में प्रॉब्लम, क्वेश्चन बोलेगा तभी शेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नहीं तो नहीं करनी। अच्छा, इसमें दो सिचुएशन आ गए, कैन बी कैलकुलेट शेयर वैल्यू, आंसर इज नो। अगर आंसर नो आ गया तो क्वेश्चन से क्या पता चलेगा बता, अगर पता चल गया कि शेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करती, कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सर क्वेश्चन की लाइन पढ़कर, क्वेश्चन इज नॉट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, क्वेश्चन इज नॉट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज आई वी। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ये शब्द नहीं लिखा हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू, पूरे सम में ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो आपको शेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना। कैन वी कैलकुलेट शेयर वैल्यू? यस, ये पता कैसे चलेगा?
क्वेश्चन इज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको शेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर इस सिचुएशन में है तो नेट एसेट्स टेकन ओवर जो होगा वही पीसी हो जाएगा, तो नाटो इज इक्वल टू पीसी, जिसको पब्लिक बोलती है फर्स्ट मेथड ऑफ पीसी इज नाटो इज इक्वल टू, पहला मेथड पेमेंट बेसिस, ये वाला। हर क्वेश्चन में चार्टर्ड आपको ये टेबल बनाना ही होगा, बट ये फाइनल अमाउंट, ये जो फाइनल अमाउंट है चार्टर्ड, ये या तो आपको स्टार्ट करके लाना होगा, या नाटो इज इक्वल टू पीसी होगा, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स और इसी तरह जो ढूंढना होगा, ये पता चल गया आप नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ ही लोगे ना। अगर नंबर ऑफ शेयर्स दिया हो तो इश्यू प्राइस ढूंढ लोगे, करेक्ट। तो पहला इच्छा है कि मुझे ये कैलकुलेट कर, ये नहीं कैलकुलेट हो रहा है तो ही मैं नाटो इज इक्वल टू पीसी लूंगा, और ये दिया हुआ है तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये टेबल तो हर समय बनाना है, इसको पेमेंट बेसिस बोलते हैं। तो फर्स्ट पेमेंट बेसिस, सेकंड नेट एसेट बेसिस, ये वाला तीसरा, कैलकुलेट इंट्रेंसिक। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नाटो माइनस अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज पर पीसी, तो माइनस कर देंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का नाटो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट एसेट्स जो वो शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते, कौन से शेयर होल्डर, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हटा दे तो इक्विटी शेयर होल्डर का नेटो आ जाएगा। हाँ, ये नेटो इक्विटी शेयर होल्डर्स का आ जाएगा, करेक्ट। और अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहां से मिलेगा, तो पहले पीसी का ये पार्ट निकाल लेना होगा, तो अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएगा। वो यहां से माइनस करेंगे, एक ही सब में ऐसा है जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को माइनस करना है, बाकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में स्वैप रेशियो क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, करेक्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, इसका रेशियो जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट शेयर वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर, एंड इश्यू प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। अच्छा, नाउ चार्टर्ड क्वेश्चन से कैलकुलेट कैश पर शेयर टू एडजस्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू, देन दो तरीके से कैश निकलता है। ये वन बहुत जन बोलते हैं नेटो नेट एसेट्स टेकन ओवर इज इक्वल टू पीसी, देयरफॉर पीसी का बैलेंसिंग फिगर कैश हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, पीसी का बैलेंसिंग फिगर कैश हो जाएगा। दूसरा तरीका, मेजोरिटी जन ये फॉलो करते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट भी ये फॉलो करता है, बट मैं दूसरा तरीका फॉलो करता हूं, अगर आप पसंद आया तो ठीक है, पहला वाला तरीका तो आप जानते ही। वो तरीका क्या है, छोटी कंपनी जा रही है, मेरे दो शेयर थे, हाँ मेरे दो शेयर की वैल्यू 20 रुपए इंट्रेंसिक वैल्यू आई थी, ठीक है, तो मुझे दो शेयर के 40 रुपए मिलने चाहिए। हाँ, तुम मुझे एक ही शेयर दे रहे हो, हाँ, एक शेयर की, तुम्हारे एक शेयर की वैल्यू 30 रुपए है, हाँ, तो मुझे 30 रुपीज मिलते हैं। ये है
इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी, ये है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। छोटी कंपनी ये स्वैप रेशियो दिया हुआ है, हर दो शेयर के बदले में स्वैप रेशियो इज गिवन। क्वेश्चन में बोला है कि स्वैप रेशियो 2:1 है, हर एक शेयर के बदले में, हर दो शेयर के बदले में आपको एक ही शेयर मिलेगा। तो शेयर होल्डर ने कहा भाई मेरे दो शेयर की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से 20 रुपए है, तो दो शेयर की वैल्यू 40 रुपीज होगी। हाँ तुम मुझे एक ही शेयर दे रहे हो। हाँ, एक शेयर की वैल्यू 30 रुपीज है, तो मुझे दो शेयर में 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो एक शेयर में कितने का नुकसान हो रहा है, 10 / 2 5 रुपये, ये 5 रुपये कैश में दे दो। अगर क्वेश्चन में ये लाइन होगी ना, क्वेश्चन इज कैलकुलेट शेयर टू एडजस्ट द राइट ऑफ द शेयर होल्डर एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू, तो चार्टर्ड ये बुद्धि लगाना। मैं ये बुद्धि प्रेफर नहीं करता हूं, ये प्रेफर करता हूं। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कर? कारण है बेटा, हर वक्त नेटो इज इक्वल टू पीसी नहीं होता। अगर क्वेश्चन में कह दिया इफ क्वेश्चन से शेयर्स आर इशूड एट पार, देन इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। इसमें मैंने यहां पर लिखाया था इशू प्राइस क्या होगा, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। मगर अगर क्वेश्चन में बोल दिया है इफ क्वेश्चन से शेयर्स आर इशूड एट पार देन इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, हाँ तब हमारा पहला मेथड फेल हो जाता है, नॉट इज इक्वल टू पीसी नहीं होता। तो ऐसे सेकंड मेथड से कैलकुलेट करना पड़ता है, जो बहुत आसान। मैं अपने दो शेयर दे रहा हूँ, मेरे दो शेयर की वैल्यू कितनी है 40 रुपए, तुम मुझे एक शेयर दे रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 30 रुपीज, तो मैं अपने दो शेयर के बदले में 10 रुपए का नुकसान सहन कर रहा हूँ, तो एक शेयर के बदले में 5 रुपीज का लॉस शेयर कर रहा हूँ, वो 5 रुपीज का लॉस मुझे कैश में दे दो। तो ये बात आपको पीसी की समझ में आती है, करेक्ट। तो पहला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देना होगा, अगर इक्विटी शेयर नहीं दिए तो स्वैप रेशियो देना होगा, स्वैप रेशियो नहीं दिया शेयर वैल्यू देना होगा, शेयर वैल्यू नहीं दिया तो या तो मुझे कैलकुलेट करने दो, कैलकुलेट करने दिया तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में आ गया, कैलकुलेट करने नहीं दिया, कैलकुलेट करने नहीं दिया तो नेटो इज इक्वल टू पीसी। अच्छा, और दूसरी बात चार्टर्ड हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेंगे, नाटो इज इक्वल टू पीसी कर लेंगे। अब इस पार्ट को ध्यान से देखिए, तीन एलिमेंट, एक दो तीन, करेक्ट। हमने इश्यू प्राइस की कहानी देख ली, बट कभी कभी क्या होता है, सबने नंबर ऑफ शेयर इश्यू दे दिए, ठीक है, पीसी भी बता दिया नेट एसेट से, तो इशू प्राइस कैसे निकलेगा, तो इशू प्राइस एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गिवन एंड नेट एसेट्स इज इक्वल टू पीसी, वो भी दे दिया है, देन इशू प्राइस इज इक्वल टू नेटो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ तो पता चल जाएगा, 20,000 ही शेयर दूंगा, ठीक है, और पीसी 1 लाख की है, नेट एसेट से पीसी 1 लाख, तो एक शेयर कितने का दिया बताओ, क्या मल्टीप्लाई करोगे 5, तो ये इश्यू प्राइस आ गया, करेक्ट। सबने किया क्या, 1 लाख को 20,000 से डिवाइड कर दिया, इन्होंने बताया। चार्टर्ड पूरे चैप्टर में आपको पीसी में इसके अलावा वैरायटी नहीं मिलेगी, और एक मिलेगी तो मैं बता देता हूं। अगर चार्टर्ड
पूरे क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, पीसी का एक लाइन नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे? इन इंटायर क्वेश्चन मेंशन अबाउट पीसी, देन नेट एसेट्स इज इक्वल टू पीसी, बी बी इश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, PC is discharged by equity shares. ये तीन assumption करेंगे, पूरा का पूरा जो NATO है वही PC है, पूरा का पूरा PC equity shares में satisfy हुआ है और issue price face value है, ये assume कर लेंगे। तो nothing is mentioned, entire question, पूरे question पढ़ लिया, एक भी line PC को लेकर दी नहीं, तो क्या करें? तो चार्टर्ड ये सारे पॉइंट अच्छे से पढ़कर दिमाग में सेट कर लिया, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैंने 20 क्वेश्चन के सारे पीसी की ट्रिक बता दी, ठीक है ना? तो सारी पीसी की ट्रिक दिमाग में रखेगा, फिर क्वेश्चन रिवाइज करेगा तो क्वेश्चन फटाफट होगा, अदरवाइज थोड़ी सी ट्रिक याद रही और क्वेश्चन में गया तो फंस जाओगे। बात समझ में आ गई? हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पीसी बनाना ही होगा, ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है। नंबर ऑफ शेयर और इश्यू प्राइस निकालने के लिए इतने सारे तरीके, बस और कुछ। नंबर ऑफ शेयर देने होंगे, नहीं दिए स्वैप रेशियो दो, स्वैप रेशियो नहीं दिया शेयर वैल्यू दो, शेयर वैल्यू नहीं दिया शेयर वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसके लिए सबने कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू देना होगा, अगर नहीं दिया तो नेट एसेट इक्वल टू पीसी। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, नेट एसेट्स टेकन ओवर इज इक्वल टू एसेट्स टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू या रिवैल्यूड फिगर्स माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू और रिवैल्यूड फिगर्स। बट रिमेंबर, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल शुड not be considered in NATO if PC is on payment basis, मतलब up to option अप टू ऑप्शन टू आपको नेट एसेट्स में पीसी कंसिडर नहीं करना है, करेक्ट? और बाकी आप नेट एसेट्स या इंट्रेंसिक वैल्यू वाला ऑप्शन थ्री में आ गए तो आप नेट एसेट्स में बुक वैल्यू ऑफ गुडविल ले सकते हैं, मगर बुक वैल्यू ऑफ गुडविल और फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल दोनों दिए तो कौन से लेंगे? फेयर वैल्यू इज ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी। ऑप्शन टू तक हम लोग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल पीसी में नहीं लेंगे, ऑप्शन थ्री में बुक वैल्यू ऑफ गुडविल पीसी में लेंगे। लिख देता हूं, अप टू ऑप्शन टू नेट एसेट डज नॉट इंक्लूड बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इन ऑप्शन थ्री, NATO इंक्लूड बुक वैल्यू ऑफ गुडविल। क्यों सर ऐसा? क्योंकि ऑप्शन टू तक ना डिफरेंस बिटवीन NATO और पीसी गुडविल निकलता है। अच्छा, अगर फिर तो डिफरेंस ही नहीं, NATO इज इक्वल टू पीसी करना है तो भाई बुक वैल्यू ऑफ गुडविल वहीं पे ले लो।
बात समझ में आ गई। ये पीसी की सारी बातें चार्टर्ड समाप्त हो गई, एक भी बात हमने नहीं छोड़ी है। पहले सारी बात फिंगर टिप्स पर डाइजेस्ट करके एक एक बात 15-20 मिनट लगेगा, वीडियो को पॉज करके एकदम अच्छे से पढ़कर सारी बातें डाइजेस्ट कर लिया, फिर दूसरे पार्ट में जाएगा, करेक्ट। तो पहले हमने पढ़ा चार्टर्ड पीसी, अबे अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ सेलिंग नंबर चार्टर्ड, पहले हमने देखा पीसी, अब हम लोग देखेंगे नाउ चार्टर्ड। फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज क्या, फेयर वैल्यूज ऑफ एसेट ना बैलेंस सम में बहुत डायरेक्टली दे दिया जाता है। प्लांट एंड बिल्डिंग इज टेकन ओवर एट दिस प्राइस, प्लांट एंड मशीन इज टेकन ओवर एट दिस प्राइस, स्टॉक इज टेकन ओवर एट दिस प्राइस, ये प्राइस सारा दे दिया। प्रॉब्लम है लायबिलिटी, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होती है अमाउंट पेबल बाय परचेजिंग कंपनी टू लायबिलिटी ऑफ सेलिंग, परचेजिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के लायबिलिटी को कितना पेमेंट करने के लिए कहा है उसके हिसाब से आएगा। एक एग्जाम्पल, सपोज सेलिंग कंपनी के क्रेडिटर 30,000 के, परचेजिंग कंपनी ने कहा मैं 32 दूंगा तो फेयर वैल्यू 32, परचेजिंग कंपनी ने कहा मैं 28 दूंगा तो 28। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होता है सिर्फ डिबेंचर्स में। डिबेंचर्स में ऐसा सेंटेंस होता है सपोज सेलिंग कंपनी के पास 12% डिबेंचर्स 50,000, ठीक है, और बोला है डिबेंचर्स आर डिस्चार्ज एट 20% प्रीमियम, बाई इशू ऑफ 8% डिबेंचर एट 4% डिस्काउंट और 96 रुपीज, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, पहले तो फेयर वैल्यू निकालेंगे, भाई 50,000 के डिबेंचर है जो 20% प्रीमियम में डिस्चार्ज होते हैं तो 60,000 रुपये उसको देना, ये फेयर वैल्यू हो गई, बात खत्म। तो नेट एसेट्स के नॉर्म में 60,000 आएगा, बट अकाउंटिंग के लिए ये 96% 60,000 तो 4% कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे 3,500, फेस वैल्यू 100% की आ जाएगी 62,500। अच्छा दूसरा होता है सपोज सेलिंग कंपनी के पास 12% डिबेंचर 50,000, डिस्चार्ज एट 20% डिस्काउंट बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स एट 25% प्रीमियम। इसका मतलब मैं इसको डिस्चार्ज कितना कर रहा हूं, तो फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, भाई 50,000 के डिबेंचर है 20% डिस्काउंट मतलब हो गया 40,000। अब अकाउंटिंग के लिए मैं बोलूंगा 125% 40,000 क्योंकि इशू है 25% प्रीमियम है, 25% प्रीमियम मतलब 125% इज इक्वल टू 40,000, तो 25% कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8,000, 100% कितना आ जाएगा
25 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 32,000। करके सेम लॉजिक यहां पे लगा था, 4% डिस्काउंट था तो 96% 50,000। तीसरा होता है ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर 50,000। करेक्ट, बोला है डिस्चार्ज बाय 10% डिबेंचर टू गिव सेम इंटरेस्ट। तो फिर फेयर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 का 12% जो इंटरेस्ट है उतना इंटरेस्ट मुझे 10% में मिलना चाहिए, तो 50,000 पर 12% इंटरेस्ट 6,000 होता है। तो 10% में 6,000 इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब डिबेंचर की वैल्यू 60,000 होगी। तो ये फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एट पार, ये तीन टिपिकल केस है। बाकी केसेस में कुछ नहीं बोला है, बाकी केसेस में कुछ नहीं बोला है, तो जो फेस वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है, वही फेयर वैल्यू है। ये तीन टिपिकल केस, बात समझ में आ गई। ऐसे तो 12-13 केस हो सकते, मगर ये तीन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इस तीन केस के बाहर कभी आया है। बाकी सब केस में तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। अच्छा ठीक है ना, अब आ जाते हम लोग दूसरी बात करने के लिए, जो है काउंटिंग द बुक्स ऑफ सेलिंग का, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। ये जेपीएससी मटेरियल है, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी फॉलोइंग आर द अकाउंट ओपन इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, एक रियलाइजेशन अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट, पीसी में जो जो एलिमेंट है वो सब के अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट को क्लोज करनी, प्रेफरेंसेस को प्रेफरेंसेस होल्डर अकाउंट में डालोगे, इक्विटी से कैपिटल रिजर्व सरप्लस ट्रांसफर कर दोगे, रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेदर टेकन और नॉट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, पीएल या मिसेलियस एक्सपेंडिचर होगा तो लॉस है तो कहां पे जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में, कैश एंड बैंक। अगर नॉट टेकन ओवर है तो अकाउंट बनेगा, टेकन ओवर है तो वो भी रियलाइजेशन में चला जाएगा। ऑल एसेट्स रिमेनिंग एसेट्स वेदर टेकन ऑन आर, रिमेनिंग में याद रखेगा गुडविल भी ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, बाकी सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन में, सिर्फ कैश और बैंक का ध्यान रखिएगा। कैश और बैंक अगर टेकन ओवर है तो रियलाइजेशन में जाएगा, नॉट टेकन ओवर है तो अलग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर पीसी डिमांड करेंगे, मांगेंगे, अक्रू करेंगे, बाइंग कंपनी से मांगेंगे तो रियलाइजेशन, करेक्ट। फिर बाइंग कंपनी हम लोग को पीसी देगी या तो इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, डिबेंचर में, कैश में, तो बाइंग कंपनी। हाँ, फिर एसेट्स एंड लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर, या तो इसको बेच दो और लायबिलिटी जो नॉट टेकन ओवर है उसको सेल कर दो। रियलाइजेशन एक्सपेंस, सेलर पेज एंड बेयर, बायर पेज बट रीइंबर्सेस, सेलर ने खुद ही पे किया सेलिंग कंपनी में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रियलाइजेशन टू कैश बैंक। सेलर पेज बट बायर रीइंबर्सेस, तो दो एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश बैंक और कैश बैंक टू रियलाइजेशन, अल्टीमेटली नलीफाई हो जाएगा क्योंकि सेलर के पॉकेट से तो जा नहीं रहा। और अगर बायर पेज एंड बेयर तो सेलर को एंट्री पास नहीं करेगा। फिर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी दिया, जो डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर में, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश में। तो स्टेप वन में क्लोज बैलेंस, स्टेप टू में डिमांड पीसी एंड रिसीव पीसी, आगे थोड़े कम स्टेप्स कर दूंगा। स्टेप थ्री में
रियलाइजेशन एक्सपेंस। स्टेप फोर में एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, इसको या तो रियलाइज कर दो या तो बेच दो। स्टेप फाइव में पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो पीसीए मिला सब उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दो। स्टेप सिक्स में रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस निकाल के इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दो। और स्टेप सेवन में पे टू इक्विटी शेयर होल्डर, करेक्ट। पहले बैलेंस शीट को क्लोज करो, फिर पीसी मांगो, पीसी ले लो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन, प्रेफरेंशियल होल्डर को पे कर दो। जो डिफरेंस होगा प्रेफरेंशियल होल्डर का अकाउंट उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर, फिर रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस निकालो। और फिर हो जाएगा चार्टर्ड पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश बैंक, कैश बैंक अकाउंट बनाया तो वो खाली हो जाएगा, जैसे डिजोल्यूशन में होता था। तो यहाँ पे दिया भी है सेलर रिटेन कैश इन बैलेंस, मतलब डिडक्ट सच रियलाइजेशन एक्सपेंस फ्रॉम कैश बैंक, देन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एंड मेटा। तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, अगर रीइंबर्समेंट वाला फंड है तो डू एंड रियलाइजेशन टू कैश बैंक, कैश बैंक टू रियलाइजेशन, करेक्ट। एकदम सिंपल, बायर पे करने वाला है, हमें जो एंट्री पास नहीं करनी, करेक्ट। पहले बैलेंस शीट को क्लोज करो, फिर पीसी को डिमांड करो, पीसी को रिसीव करो, फिर रियलाइजेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो टेक ओवर नहीं है उसको बेच दो, प्रेफरेंस शेयर को होल्डर को पे कर दो, ठीक है। पे टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दो। ये हो गया चार्टर्ड हमारी अकाउंटिंग इन द बुक्स का स्मॉल सेलिंग। कुछ ड्रामा ज्यादा नहीं, जर्नल एंट्रीज कुछ तो भी ठीक है, और अगर क्या बोलते हैं लेजर पूछा तो भी ठीक है। अब आ जाते हैं काउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेज इनकम, पहले चार्ट। रिकॉर्ड पीसी, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर, डिस्चार्ज पीसी, लिक्विडेटर डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल। ये ब्रेकअप याद रखेगा, यहाँ पे फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग अलग करना होगा। इश्यू प्राइस में दो बातें होती है, एक फेस वैल्यू और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। अकाउंटिंग करते वक्त ये अलग अलग रखना है, कैपिटल। हम लोग ने कहा था नेट एसेट्स का डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। हाँ, डेबिट में बैलेंसिंग कराया तो गुडविल, क्रेडिट में बैलेंसिंग कराया तो कैपिटल रिजर्व। ये लॉस नहीं, लॉस देना गलत है। हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, गुडविल लॉस नहीं होता है। अगर गुडविल लॉस होता तो प्रॉफिट पर कभी कैलकुलेटिंग नहीं होता। आपने गुडविल हर वक्त प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट किया तो गुडविल इज नथिंग बट फ्यूचर प्रॉफिट। अब इस डिस्कशन में नहीं जाते। रिकॉर्ड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एट रीवैल्यूएशन। अब इसमें इंडिविजुअल एसेट्स टेकन ओवर, इसमें बात याद है गुडविल वैल्यू। अगर पेमेंट बेसिस है तो यहाँ पे गुडविल बुक वैल्यू वाली नहीं है। अगर नेटो या इंट्रिंसिक वैल्यू वाली है तो गुडविल यहाँ पर लिखना तो लिखती है। पेमेंट बेसिस वाली गुडविल ये है डिफरेंस, और अगर नेटो इज इक्वल टू पीसी किया था या इंट्रिंसिक वैल्यू वाला सम किया था तो गुडविल नहीं पे आ जाएगी, तो ये डिफरेंस वाला गुडविल नहीं होगा। सर वापस बोले, पेमेंट बेसिस होगा तो बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं आएगी, और अगर नेटो या इंट्रिंसिक वैल्यू पर पीसी कैलकुलेट किया गया है
बुक वैल्यू ऑफ गुडविल यहीं पे समा जाएगी। अच्छा तो इंडिविजुअल लायबिलिटी टू बिजनेस एक्सपेंसेस, मतलब आप एंट्री एकदम ध्यान से देखें, इंडिविजुअल एसेट्स टेकन ओवर एट रीवैल्यू टू द फेयर वैल्यू गुडविल, ये पेमेंट बेसिस वाली है, बुक वैल्यू का ख्याल रखिएगा, कंडीशन अप्लाई है कब लेनी है कब नहीं लेनी है, इंडिविजुअल लायबिलिटी टेकन ओवर एट रिवैल्यू फिगर या फेयर वैल्यू बिजनेस परचेज की सी, अगर प्रॉफिट है तो आप ले जाइए बैलेंस शीट पे, ठीक है। फिर डिबेंचर होल्डर जो पेमेंट करे, ओल्ड डिबेंचर टू न्यू डिबेंचर, यहाँ पे डिफरेंस में चार्टर्ड डिस्काउंट भी आ सकता है, इस तरह की प्रीमियम भी आ सकता है जो मैं अकाउंटिंग में कैलकुलेट किया। हाँ, ये फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू और ये फेयर वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट किया। स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए खाली अभी आप याद रखिए, इस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। स्टैट्यूटरी रिजर्व अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलते हैं, एंट्री पास करनी है। सेलिंग एक्सपेंसेस है, मैं बोलूंगा हर वक्त गुडविल यूज करें, कैपिटल रिजर्व यूज ना करें, गुडविल यूज करें, जैसे स्टैंडर्ड गुडविल बनता है, और सब में गुडविल कैपिटल रिजर्व दोनों है तो लास्ट में दोनों को सेट ऑफ करवाना, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व यूज मत करो। अगर बड़ी कंपनी रियलाइजेशन का पैसा देती है तो गुडविल, एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर इसमें पे किए, कैंसिल ऑफ कॉमन डेट्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अगर यहाँ पे भी खाली गुडविल यूज है, अगर बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को स्टॉक बेचा है और छोटी कंपनी के पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको प्रॉफिट एलिमेंट निकालना है, जैसे हमने कॉन्सोलिडेशन में निकाला, डिपार्टमेंट में निकाला, वैसे गुडविल के बाद सर आप हर जगह गुडविल क्यों लिखते हैं, ठीक है। हमने छोटी कंपनी की बैंक बैलेंस रिड्यूस किया तो गुडविल बढ़ गया, नेट एसेट डिक्रीज हुआ तो गुडविल बढ़ गया, हमने छोटी कंपनी का स्टॉक टेक ओवर किया फिर उसको डिक्रीज कर रहे हैं तो नेट एसेट्स डिक्रीज हो गया, पीसी रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर नेट एसेट्स डिक्रीज हो गया तो गुडविल बढ़ जाए। हाँ करेक्ट, यस सर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको करना क्या क्या है रफली, पहले बिजनेस परचेज के लिए देता, हाँ फिर लिक्विडेटर टू मोड ऑफ पेमेंट, बिवेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ तीसरी एंट्री एसेट्स टेकन ओवर एट रीवैल्यू फिगर, लायबिलिटीज टेकन ओवर एट रीवैल्यू फिगर टू लिक्विडेटर, डिफरेंस इज इक्वल टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व, हाँ बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इन पेमेंट बेसिस विल नॉट, इंट्रिंसिक वैल्यू या नेटो बेसिस, नेटो इज इक्वल टू पीसी होगा तो बुक वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी, करेक्ट। चौथा डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया, ओल्ड डिबेंचर फेयर वैल्यू टू न्यू डिबेंचर फेस वैल्यू डिफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट, और हो सकता है कि हमने कैश में पेमेंट कर दिया तो बात ही करेक्ट। हाँ पांचवा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर बड़ी कंपनी ने पे किया है या रिइंबर्स किया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल टू कैश बैंक, ठीक है हमने जो बैंक लिया उसमें से पेमेंट कर रहा है, अगर उसमें से पेमेंट कर रहा है तो ये यहां पर जो है एसेट्स डिक्रीज हो गई,
ये एंट्री में अगर एसेट्स डिक्रीज हो गए तो गुडविल बढ़ गई, इसलिए हम लोग यहाँ पे गुडविल डेबिट कर देते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, गुडविल टू स्टॉक। सातवां, म्यूचुअल ओइंग या कॉन्ट्रा आइटम जो आप बोलते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसे लेने देने हैं, तो क्रेडिटर्स टू डेटर्स या बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल या लोन लायबिलिटी। लोन एसेट, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दी। स्टैट्यूटरी रिजर्व, लोन का लाभ, अमालगमेशन, एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये इनकम टैक्स की वजह से। तो रिविजन में है ना, तो समझाता कि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व इनकम टैक्स की वजह से जन्म ही की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपनी लॉ की वजह से नहीं, इनकम टैक्स की वजह से। करेक्ट है। फिर बाकी तो जो सब मैं बोला, अंडर राइटिंग कमीशन, फ्रेश इशू एक्सेस जो बोला करते रहो, पर ये बेसिक एंट्रीज है। करेक्ट। जब अच्छे से रिवाइज करोगे फिर अब हम लोग इसके बाद एक एडजस्टमेंट। क्लियर है चार्टर्ड। अब हम लोग कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। करेक्ट। एडजस्टमेंट में क्या डिस्कस करेंगे? पहला एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नाउ चार्टर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर सेलिंग कंपनी पेज, तो सेलिंग कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? परचेजिंग कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? सेलिंग कंपनी एंट्री पास करेगी रियलाइजेशन टू कैश, परचेजिंग कंपनी कुछ नहीं। अगर और ये कैश लेस फ्रॉम कैश बैंक इन नेट एसेट्स टेकन ओवर एंड रियलाइजेशन। करेक्ट। अगर परचेजिंग कंपनी पे कर रही है तो सेलिंग कंपनी को एंट्री पास नहीं करेगी, परचेजिंग कंपनी एंट्री पास करेगी गुडविल टू कैश। और अगर रीइंबर्स है रीइंबर्स जितना पोर्शन कर रहा है उस पोर्शन के लिए सेलिंग कंपनी पास करेगी, और फिर कैश टू रियलाइजेशन, मतलब सेलिंग कंपनी पे कर रही है बट और परचेजिंग कंपनी उसको रीइंबर्स कर रही है, और परचेजिंग कंपनी एंट्री पास करेगी गुडविल टू कैश। हो सकता है 10,000 टोटल एक्सपेंडिचर हो, मगर बड़ी कंपनी या परचेजिंग कंपनी 2,000 ही रीइंबर्स करने वाली है, तो ये एंट्री 2,000 को लेके होगी। 8,000 तो भाई जो छोटी कंपनी पे कर रही है वही पे करेगी, इसलिए मैंने रीइंबर्स लिखा है। रीइंबर्स पोर्शन, टोटल एक्सपेंस 10, रीइंबर्स 2, रिमेनिंग 8 इज पेड बाई ईदर स्मॉल कंपनी और ओनली बिग कंपनी, तो उसकी एंट्री अलग। ठीक है ना? हाँ जी। एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में चार्टर दो ड्रामा। गिवन इन बैलेंस शीट, गिवन इन एडजस्ट।
कर ये सारे एडजस्टमेंट एकदम अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट जनरली इजी है। स्टार्टिंग का पार्ट देखने के बाद ये सारे एडजस्टमेंट देखेंगे, फिर एक एक करके सम सॉल्व करेगा, बता रहा हूँ अमालगमेशन ऐसे हो जाएगा, मगर जब तक ये सारे पॉइंट नहीं हो जाते तब तक पहला सम भी मत वर्कआउट करिएगा। बिलीव मी इट विल हेल्प यू। वन डे इंटायर डे इफ यू सेट मॉर्निंग टू इवनिंग इंटायर अमालगमेशन इज डन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ग्रुप टू में भी है और फाइनल में भी है बेटा अमालगमेशन, करेक्ट। अगर पीबीडीडी बैलेंस शीट में है तो रियलाइजेशन में जाएगा, यस। नेटो में जाएगा, यस। सर ये नेट एसेट्स का मतलब क्या है? तो देखो चार्टर्ड, जब आप ये पहली एंट्री पास करते हैं, ये वाली, ये बेसिकली एसेट्स टेकन ओवर टू लायबिलिटीज टेकन ओवर जो है ना, इसको मैं बोलते हैं नेट एसेट। तो लायबिलिटी में यहां पे पीडीडी आएगा, करेक्ट है, इसको हम लोग नेट एसेट्स बोलते हैं, नेटो बोलते हैं। अगर गिवन इन एडजस्टमेंट है तो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी बुक वैल्यू नहीं है। रियलाइजेशन में सारी की सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होगी, ऑल एसेट्स टू बी ट्रांसफर एट बुक वैल्यू। नेटो में आएगा, यस। एज लायबिलिटी, नॉट एज रिडक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से माइनस नहीं करना है, इसको लायबिलिटी में दिखाना है अलग से, ठीक है ना। प्रोविजन बैलेंस शीट में आप डेटर्स लेस प्रोविजन कर सकते हैं, डेटर्स से उड़ा दिया वैसा नहीं। एडजस्टमेंट फ्री चार्टर, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ सेलिंग कंपनी, कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ सेलिंग कंपनी। फॉर एग्जाम्पल बिल डिस्काउंटेड की लायबिलिटी है, बिल डिस्काउंटेड का मतलब मुझे किसी से बिल मिला था, मैंने वो डिस्काउंट करा लिया, मैं सेलिंग कंपनी। अगर डिस्काउंट करा लिया तो बैंक को तो पैसे देने होंगे, कौन दूंगा? मैं दूंगा? नहीं नहीं ड्रॉ ही पेमेंट करेगा। अगर ड्रॉ ही पेमेंट नहीं करता है तो मुझे पेमेंट करना होगा, तो मेरे लिए लायबिलिटी तभी अराइज होगी अगर ड्रॉ ही पेमेंट नहीं करता है, तो मेरे लिए तो कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब अमालगमेशन के वक्त पता चला ड्रॉ ही इंसॉल्वेंट हो गया, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, तब मुझे करना होगा, तब वो लायबिलिटी बन गई। हाँ, तब ये लायबिलिटी का पेमेंट कौन करता है चार्टर्ड, ये चेक करना होगा। अगर सेलिंग कंपनी कर रही है तो रियलाइजेशन टू कैश, सेलिंग कंपनी कर रही है पेमेंट तो भाई रियलाइजेशन टू कैश, क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी तो बुक्स में अपीयर ही नहीं कर रही थी। तो जो भी अपन पेमेंट कर रहे हैं चार्टर्ड, व्हाट एवर पेमेंट वी आर मेकिंग, वो पूरा का पूरा लॉस है। लायबिलिटी बुक्स में जीरो थी, दो रुपया भी पेमेंट कर रहे हैं तो इंटायर टू रुपीज इज लॉस ओनली ना। हाँ, और अगर बड़ी कंपनी परचेजिंग कंपनी पे कर रही है तो गुडविल टू कैश, गुडविल क्यों? अरे जो कैश लिया है उसी में से मैं लायबिलिटी पे करूंगा। हाँ, कैश डिक्रीज हो जाएगा, एसेट डिक्रीज हो जाएगा, नेट एसेट डिक्रीज हो जाएगा, गुडविल बढ़ जाएगा। तो सब में दिया होगा, कौन पेमेंट कर रहा? हाँ एकदम दिया होगा, नहीं बोला अरे देना ही होगा मालिक, हर जगह अजम्पशन काम नहीं करते। एडजस्टमेंट फोर, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बिग कंपनी।
रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बिग कंपनी, हर वक्त रिवैल्यूड फिगर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग हर वक्त रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ सेलिंग कंपनी होता है, रिवैल्यूड फिगर। बहुत कम समय ऐसा दिया गया है जहां पे रिवैल्यूड फिगर ऑफ परचेजिंग कंपनी का फिक्स्ड एसेट दिया गया, तो क्या करेंगे? कंसिडर इट इन नेट एसेट्स, कंसिडर इट इन नेट एसेट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। कंसिडर इट इन नेट एसेट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नाउ चार्टर्ड उसमें तो लेना ही है, उसके बाद क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट, क्यू आर एस का मतलब क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट, कुछ नहीं बोला है तुम लोग, और एक एंट्री पास करेंगे फिक्स एसेट्स टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट में बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट लायबिलिटी में आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस बोलकर फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट लायबिलिटी में आ जाएगा। मगर क्वेश्चन में बोला है शो एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ परचेजिंग कंपनी एट एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट, सीए का मतलब कैरिंग अमाउंट, नो एंट्री। तो कोई एंट्री पास नहीं करनी है, बैलेंस शीट में जो बुक्स में वैल्यू है वही आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड थी जिसकी वैल्यू है 10 लाख, रिवैल्यू होके हो गया 12 लाख, परचेजिंग कंपनी की लैंड है 10 लाख, रिवैल्यू होके हो गया 12 लाख। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 12 लाख लेंगे, सब में कुछ नहीं बोला है तो लैंड को 2 लाख से बढ़ा देंगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी 2 लाख दिखा देंगे। मगर सब में बोला है शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ परचेजिंग कंपनी एट एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट, तो बेटा कोई एंट्री पास नहीं करेंगे और बैलेंस शीट में लैंड 10 लाख ही अपीयर करेगी। अच्छा सर, एडजस्टमेंट 5, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में दो पॉसिबिलिटी है, गुड्स सोल्ड बाय परचेजिंग कंपनी टू सेलिंग कंपनी, तो परचेजिंग कंपनी एंट्री पास करेगी गुडविल टू स्टॉक, दैट इज सेलिंग प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट पे दिया हुआ है तो उसको सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट कर दीजिए, करेक्ट था। लेकिन गुड्स sold by selling company to purchasing company, selling company ने purchasing company को goods दिया है, तो purchasing company का stock ज्यादा है, तो purchasing company का stock घटाना होगा। ऐसा सम JKC material में नहीं है मगर exam में आया है, तो यहां पर PL debit होगा बनता। जनरली परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है तो गुडविल टू स्टॉक, अगर सेलिंग कंपनी परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है तो परचेजिंग कंपनी का स्टॉक घट रहा है, क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूसेस, प्रॉफिट रिड्यूसेस, फाउंडेशन में पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा प्रॉफिट घटेगा।
एडजस्टमेंट सिक्स चैप्टर। प्रपोज्ड डिविडेंड चार्टर्ड प्रपोज्ड डिविडेंड्स अगर प्रपोज्ड डिविडेंड सब में है सेलिंग कंपनी का तो पहले तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? डिविडेंड परसेंटेज इनटू शेयर कैपिटल। बी जर्नल एंट्री, दो एंट्री पास करनी होगी, पीएल टू पीडी एंड पीडी टू बैंक। हाँ, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करनी है। तीसरा रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम बैंक एंड रिड्यूस्ड बैंक बैलेंसेस ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन एंड नेट एसेट्स। मतलब ये फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करने की, आपने पहली जर्नल एंट्री में क्या सीखी थी? क्लोज बैलेंस शीट। ये क्लोज बैलेंस शीट के पहले ये एंट्री पास करने की, तो बैलेंस शीट को क्लोज करने के पहले बैंक घट गया है तो बैंक से रिड्यूस करो, तो रियलाइजेशन में घटा हुआ बैंक जाएगा और नेट एसेट में भी घटा हुआ ही बैंक आएगा। हाँ, पीएल भी रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम पीएल बिफोर ट्रांसफरिंग इक्विटी शेयर होल्डर। पीएल को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में पास कर ट्रांसफर करते हैं। सपोज डिविडेंड 10,000 का है, पीएल 50,000 का है, तो उस पीएल में से पहले डिविडेंड 10,000 निकाल लो, बचेगा 40, वो 40 इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होगा। बैंक 70 का था तो 70 में से भी 10 निकाल लिया तो 60 बैंक बचा, वो 60 बैंक ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा सर, सिमिलरली अगर वो परचेजिंग कंपनी है तो पहले अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट इज डिविडेंड परसेंटेज इन टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट। दूसरा जर्नल एंट्री फर्स्ट, सबसे पहले ये जर्नल एंट्री पास करेंगे, पीएल टू पीडी एंड पीडी टू बैंक। तो बिग कंपनी का पीएल भी डिक्रीज हो जाएगा और बैंक भी रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम पीएल एंड बैंक इन बैलेंस शीट। ऐसे दो क्वेश्चन में ये हो गया आपका प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट। करेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर 7 चार्टर। गुडविल वैल्यूएशन ऑफ सेलिंग कंपनी। अगर चार्टर्ड सेलिंग कंपनी का गुडविल वैल्यू कर रहे हैं तो कैसे करेंगे?
पहला मेथड आपको पता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज। हाँ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू इयर्स ऑफ परचेज। हाँ, तीसरा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, फाउंडेशन वाली बात, इयर्स ऑफ परचेज, वाईओपी का मतलब इयर्स ऑफ परचेज। नाउ चार्टर्ड, सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। हाँ, एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एन ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट दिया तो 3 साल का प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय एन, माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों क्यों? नॉन ट्रेडिंग इनकम है ये, हमारा बिजनेस का इनकम नहीं है। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ध्यान से देखिएगा, अगर सम में बोला है विदाउट रिवैल्यूएशन, तो आपको शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस माइनस इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट हमारा ट्रेडिंग एसेट्स नहीं है। अच्छा, और अगर क्वेश्चन में बोला ये विदाउट रिवैल्यूएशन, और अगर सम में बोल दिया है विथ रिवैल्यूएशन, तो नेट एसेट्स नेटो इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब एसेट्स एट रिवैल्यूड फिगर्स माइनस लायबिलिटीज एट रिवैल्यूड फिगर्स। सर, सम में बता देगा कि विथ रिवैल्यूएशन है विदाउट रिवैल्यूएशन? हाँ चार्टर, दो सम देखिएगा, दोनों एक समय लिखा हुआ है विदाउट रिवैल्यूएशन, एक समय लिखा हुआ है विथ रिवैल्यूएशन। इसमें मैंने कहा सारे पॉइंट्स अगर फिंगर टिप्स में हो गए तो एक भी सम की ट्रिक बचेगी नहीं है, गारंटी लिख के देता हूं। करेक्ट, अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट, तो विथ रिवैल्यूएशन ही समझना। पांचवी बात, नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम है ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट ट्रेडिंग एसेट्स। तो सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल प्रॉफिट का नाम क्या है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का नाम क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम क्या है? नेट ट्रेडिंग एसेट्स, मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं आता है। सर, नेटो में भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेना? नहीं लेना। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इन सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस माइनस इन्वेस्टमेंट, ये गुडविल वैल्यूएशन का प्रॉब्लम चार्टर्ड। एडजस्टमेंट एट, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स बाय सेलिंग कंपनी। फर्स्ट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोनस। कैसे कैलकुलेट करते हैं?
सपोज स्टार्टअप बोनस दिया हुआ है 2:3 का रेशियो में, मतलब फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर्स 2 इक्विटी शेयर्स बोनस देगा। हाँ, तो बोनस इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 × शेयर कैपिटल ऑफ स्मॉल सेलिंग कंपनी। शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर पर ठाकुर बोनस नहीं मिलता है। हाँ, ठाकुर आइन भी फर्स्ट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोनस, सेकेंड पास जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? रिटर्न टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स डिक्रीज हो जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो रिजर्व्स का ऑर्डर, बोनस का रिजर्व, बोनस का ऑर्डर आपको पहले CRR, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर डिविडेंड प्रॉफिट, बट यहाँ पे वो सब तांडव नहीं होगा, रिजर्व ही होगा, बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग टू चेक योर बोनस का कॉन्सेप्ट, दे आर ट्राइंग टू चेक योर बोनस का कॉन्सेप्ट इन अमालगमेशन, अदरवाइज एंट्री होते हैं रिजर्व टू बोनस, बोनस टू शेयर कैपिटल। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है चैप्टर, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है चैप्टर वो ये है कि कैलकुलेट्स पीसी ऑन इंक्रीज्ड शेयर कैपिटल, कैलकुलेट पीसी ऑन इंक्रीज्ड शेयर कैपिटल चाहते, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये बोनस अमालगमेशन के पहले दे रहा है। एडजस्टमेंट नहीं, नाउ चार्टर्ड सपोज क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पीसी इज गिवन, बट रिवैल्यूड फिगर ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट गिवन। Then, NATO is equal to PC करके balancing figure is equal to revalued figure of fixed assets। कभी कभी क्या होगा, एक सब में आपका ऐसा मिलेगा यहाँ पे PC का अमाउंट दे दिया मगर प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूड अमाउंट नहीं दिया है, बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू हुई है लेकिन रिवैल्यूड अमाउंट नहीं दिया है। आप नेट एसेट्स निकालोगे, एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर नेट एसेट्स, हाँ उसमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू नहीं पता होगी। हाँ, नेटो इज इक्वल टू पीसी करने जाइएगा तो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस होगा वो है रिवैल्यू फिगर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, लेट रिवैल्यू फिगर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्स, तो नेटो एक्स के टर्म्स में आएगा इज इक्वल टू पीसी की जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लीजिएगा। अदरवाइज क्या होता था, नेटो और पीसी का डिफरेंस गुडविल कैपिटल रिजर्व होता था, जो यहां पे नहीं होगा। एडजस्टमेंट 10, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन का अमाउंट दिया हुआ है, ये सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूं, एक लायबिलिटी पोर्शन होगा एक रिजर्व पोर्शन होगा। सपोज ये 10,000 है, तो लायबिलिटी पोर्शन सपोज 2,000 है और ये रिजर्व पोर्शन 8,000 है, ये इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा और ये रियलाइजेशन में चला जाएगा और ये नेट एसेट्स में भी चला जाएगा लायबिलिटी की तरह। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि लायबिलिटी पोर्शन कितना है और रिजर्व पोर्शन कितना है, तो अज्यूम करिएगा पूरा का पूरा रिजर्व पोर्शन।
डिबेंचर का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया था, एडजस्टमेंट 11। सपोज चार्टर, ध्यान से देखिएगा, ये डेट ऑफ बैलेंस शीट, सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूं, ये डेट ऑफ बैलेंस शीट है, मतलब बैलेंस शीट यहां के दिए हुए, 6 मंथ्स के बाद डेट ऑफ अमालगमेशन, करेक्ट। डेट ऑफ अमालगमेशन की बैलेंस शीट बनानी होगी, इसमें शेयर कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, ये पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी कर लीजिएगा। अगर एसेट्स में डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा। रिजर्व का बैलेंस कैसे निकलेगा, जो दिया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट का, प्लस नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड। अच्छा, और यहां पे कैश का बैलेंस कैसे निकलेगा, जो कैश का बैलेंस दिया हुआ है, एड नेट प्रॉफिट, एड डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी एड बैट होगा, नॉन कैश एक्सपेंस है, और लेस डिविडेंड। ये करके आपकी बैलेंस शीट बनेगी। आपकी डेट ऑफ अमालगमेशन की बैलेंस शीट बन गई तो गेम खत्म। सर ये नेट प्रॉफिट दिया होगा? हाँ, नेट प्रॉफिट दिया होगा। एक बात बता सकता हूं, हर वक्त जब ऐसा होगा ना, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेशन बोलते हैं। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा था इसलिए क्योंकि ऐसा एक ही सवाल है और सालों से नहीं आया है, बट कॉन्सेप्ट क्या है सुनो ध्यान से। जब जब बैलेंस शीट अपडेट होगी तो मुझे अपडेटेड बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चाहिए। हाँ, अगर वैल्यू दी हुई है तो बहुत बढ़िया, नहीं दी हुई तो पुराने बैलेंस शीट से कॉपी कर लिया, करेक्ट। यस सर, तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है तो वेरी गुड, नहीं है तो पुराने बैलेंस शीट से चिपका दो। हर वक्त याद रखना, या तो नेट प्रॉफिट मिसिंग होगा या क्लोजिंग कैश मिसिंग होगा। मैं जिस सब बात कर रहा हूं ना, उसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ, क्लोजिंग कैश मिसिंग है। सर अगर नेट प्रॉफिट मिसिंग होता तो क्लोजिंग कैश दिया होता, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता। अरे बाप रे, पूरा कैश फ्लो? हाँ, पूरा कैश फ्लो। अब पूरा कैश फ्लो इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। इजी तब होगा जब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, पुरानी है जो नए में डाल दिए, लेकिन बता रहा है डेटर्स चेंज हो गया, क्रेडिटर्स चेंज हो गया, स्टॉक चेंज हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग चेंज हो गया, सारी नई एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू भी है, तो फिर फुल फ्लेजेड कैश फ्लो बनेगा, चेंज इन करंट एसेट, चेंज इन करंट लायबिलिटी। तो कैश अकाउंट मिसिंग है तो ये भी कैश फ्लो ही है, या तो नेट प्रॉफिट मिसिंग होगा या तो कैश बुक मिसिंग होगा। जो भी मिसिंग होगा आपको कैश फ्लो बनाकर निकालना होगा, बट जो सम हमारे बुक में दिया हुआ है उसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कैश नहीं है। और ये सम भी हमने इसलिए रखा है क्योंकि एक वैरायटी ऐसी रखनी चाहिए, बट ये सवाल लास्ट 15-20 साल से नहीं आया है, बट करके जाइएगा। और अगर आपको ज्यादा जानने की इच्छा है कि एग्जाम में फंस गए तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट मिसिंग होगा या कैश मिसिंग होगा, जो भी मिसिंग होगा चुपचाप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइएगा, आ जाएगा। और उससे ज्यादा भी हीरोगिरी करनी है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस शीट का कैश या रिजर्व्स ले लीजिएगा, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ये चार्टर्ड हो गए आपके सारे के सारे एडजस्टमेंट्स, पूरे नोट्स को वापस बता रहा हूं, रिवाइज कीजिएगा। फिर जाकर आप क्या करोगे, फिर जाकर आप चार्टर्ड सम सॉल्व करोगे, सारे नोट्स एक बार फिंगर टिप्स पे ले आना, 2 घंटे लगेंगे बेटा, अगर बहुत फायदा होगा। अब चार्टर्ड आ जाते हैं हम लोग अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में। मर्जर में स्टेप 1 क्या करोगे, कैलकुलेट टोटल शेयर कैपिटल ऑफ सेलिंग कंपनी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस।
कैलकुलेट पीसी जैसे पहले कैलकुलेट करते थे, सेम। प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर, प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर कैसे निकलता है? शेयर कैपिटल ऑफ सेलिंग कंपनी पीसी, ये जो डिफरेंस है ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। स्टेप फोर, स्टेटमेंट ऑफ जीआर। मेथड थोड़ा बड़ा है बट बिलीव करो बहुत लॉजिकली और श्योर शॉर्ट मेथड है। स्टेटमेंट ऑफ जीआर, जीआर ऑफ सेलिंग कंपनी, जीआर ऑफ परचेजिंग कंपनी, प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर। इसके बाद ये फिगर आया, पॉजिटिव फिगर आ गया तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, नेगेटिव फिगर आ गया तो सेट ऑफ अगेंस्ट पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल ऑफ परचेजिंग कंपनी, पीएल ऑफ सेलिंग कंपनी, नेगेटिव जीआर ऑफ स्टेप फोर, यूआरपी अगर होगा तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ये सारे चार्टर्ड माइनस होते जाएंगे और ये बैलेंस जो आएगा फाइनल ईयर बैलेंस शीट में चला जाएगा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मर्जर में ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, इसीलिए नेटो का मतलब हो जाता है चार्टर्ड एसेट्स एट बुक वैल्यू माइनस लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू माइनस रिजर्व्स एट बुक वैल्यू, इसलिए आ जाता है शेयर कैपिटल। इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल एंड परचेज कंसिडरेशन शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, करेक्ट। तो ये पांच स्टेप करिएगा, बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ जीआर और स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपको नोट्स टू अकाउंट्स में तो बनाने ही होंगे, तो पहले बना दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा आप कर क्या रहे हो। इसके बाद अगर डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने बोले तो दन 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 सारे एसेट्स ऐड किए, सारी लायबिलिटीज ऐड की और शेयर कैपिटल पीसी वाला चिपका दिया, अरे होना बाकी चार्टर्ड मर्जर में कुछ है ही नहीं। तो पहली एंट्री सेम, दूसरी सेम, तीसरी रिकॉर्ड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट शेयर कैपिटल एट बुक वैल्यू, ऑल का मतलब ऑल फिक्टिशियस एसेट रिजर्व सब कुछ एज इट इज चिपका देना। अच्छा, डिफरेंस इन द जर्नल एंट्री इज टू बी एडजस्टेड इन रिजर्व एंड सरप्लस, वो हमने निकाल लिया था ऑलरेडी। एक एंट्री में अगर दो बार भी जर्नल रिजर्व आया ना तो टेंशन मत लेना, और उसके बाद सारी बातें सेम है, खाली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में गुडविल की जगह रिजर्व आ गया और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में भी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में भी चार्टर्ड आपको गुडविल की जगह पीएल आ गया। तो जहां जहां पे आप गुडविल टू स्टॉक, गुडविल टू बैंक लिखते थे वो हो जाएगा पीएल टू स्टॉक, पीएल टू बैंक, बस इसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोलते हैं, करेक्ट चार्टर्ड। तो मर्जर में ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ले जाती है सारी की सारी बुक वैल्यू पर, तो आपकी तीन एंट्री चेंज होगी, एक नेट एसेट्स वाली ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू, ऑल लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस एट बुक वैल्यू। डिफरेंस जो होगा वो जीआर होगा, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर। सर एक में जीआर में ट्रांसफर करते हैं, एक में गुडविल और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, सर दो टाइप के अमालगमेशन किए थे बेटा, वो सबके लिए कभी थोड़ा लेट हो गया है, अभी आप लर्न कर लो ये सब खुद आपने, ठीक है ना। ये मौका मिला फिर सीखेंगे ये सब, बट अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर ले चार्टर्ड, करेक्ट। तो सारे स्टेप्स अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर सम सॉल्व कर लीजिए, गारंटी देता हूं ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।